ऐसे? मरियम कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए था, लेकिन चाहिए कि नहीं हो? तुम्हें कोई आसानी तो दे नहीं सका, अब अपनी परेशानियां दे दूँ ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। रिश्ते सिर्फ सुख के होते हैं क्या? लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ दुख और फांस दे दिए मरियम। फैसा, सच्चे रिश्ते को तो ये दोनों चीजें और मजबूत करती हैं। मैं मासूर हो गया मरियम, शायद उम्र भर के लिए। ऐसी बातें मत करो प्लीज। ऐसी बातें क्यों ना करूं मैं? सच क्यों नहीं सुन रहा कोई मेरा? मैं मासूर हूं, तुम्हें मासूर हूं मरियम। सब लोग मुझसे क्यों झूठ बोलते हैं कि मैं ठीक हूं? क्यों? ऐसा क्या हो गया है तुम्हें? यही मेरा नसीब और यही मेरा सच है। हाँ तो मैं कौन सा कारोबार कर रही हूं कि मुझे सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहिए? अगर यही सच है तो मुझे कबूल है बस। नहीं मरियम, देखो प्लीज ऐसे मत कहो, तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं तुम्हारा सामना मरियम। फैसल, मुड़न न देवे खाली रस्ता, रखे पास दिलासे, चिट्टी चादर दाग लगाए करे फकीरों। अगर तुम मेरे बड़े भाई ना होते ना, एक खानदानी किस्म की फैटी लगाता मैं तुम्हारी। कोई रिश्ता ना बांधो मुझसे रेहान, एक अच्छी डोरू मैं, टूट जाएगा सब कुछ। यार प्लीज खुदा की बस, ये 1970 के फिल्म के हीरो के डायलॉग मत बोलो मेरे सामने। मैंने मना किया था कि मरियम भाभी को कुछ मत कहना। यार कितना रो रही थी वो फोन पर। क्यों रो रही थी वो? झूठ सुनना चाहती थी वो, झूठ बोलूंगा उससे। हाँ बेशक झूठ बोलो, लेकिन वो सच ना बोलो जो उन्हें तोड़ फोड़ दे। यार आखिर अब तक हमने बोला क्या उनके साथ? झूठ ना। बीवी की हैसियत से ला नहीं सका मैं उसे, मुलाजमा की हैसियत से लाऊं उसे। यार फैजल क्यों इस तरह सोच रहे हो भाई? वो पहले ही बहुत दुखी है यार, अम्मी ने उन्हें क्या कुछ नहीं कहा। एक बात कहूं फैसल, इस वक्त उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हें नहीं। और अगर इस वक्त तुमने उनका साथ ना दिया ना, तो तुम सारी उम्र के लिए माजूर हो जाओगे।